राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषद केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम प्रस्तौति पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः षष्ठ कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र, भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली से संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत का प्रारंभ हम कक्षा 6 से करते हैं। उसके पहले बहुत ही कम मात्रा में हम संस्कृत के शब्दों को पढ़े हुए होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि सबसे प्राचीनतम भाषा शब्दों की दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा वैज्ञानिक भाषा, जिस भाषा में वेद पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए और हमें नए नए सिद्धांत संस्कृत में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम तभी पढ़ सकते हैं, तभी जान सकते हैं और समझ सकते हैं जब संस्कृत भाषा की पहचान हमें हो, उसका ज्ञान हमें हो। उसके लिए हमें प्रारंभिक संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 6 की रुचिरा भाग 1 पाठ 2 द्वितीय पाठ शब्द परिचय। इसमें सबसे पहले वाक्य लिखा हुआ है एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह दोला है, अर्थात यह झूला है। दोला का तात्पर्य यहाँ झूला है। चित्र में हम कल्पना कर सकते हैं जैसा एक उद्यान बगीचा है छोटा सा, जिसे हम पार्क कहते हैं। हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ खेलने के सामान लगे होते हैं और साइड में झूलने के लिए भी झूला लगा होता है। तो अगर वहाँ पर खड़ा होकर मेरा दोस्त कोई कहे एषा का, यह क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, एषा दोला, यह झूला है। इसी तरह दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ पर है, तो हमें देखना पड़ेगा हम खड़े कहाँ हैं। तो हम छोटे से पार्क में खड़े हैं, उद्यान में खड़े हैं, इसलिए हम वहाँ बताएंगे दोला उपवने अस्ति, अर्थात दोला उपवन में है। उपवन अथवा उद्यान हम दोनों ही कह सकते हैं। तो दोला उपवने अस्ति, अस्ति का अर्थ है, कोई चीज है, इसके लिए हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। धनम अस्ति, धन है। गृहम अस्ति, घर है। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कुछ और हम शब्द लें, क्योंकि हम स्त्रीलिंग वाले सभी शब्दों का आज अभ्यास करेंगे। बालिका, एषा का, एषा बालिका। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कहाँ है, उत्तर होगा बालिका गृहे अस्ति, बालिका घर में है। दूसरा हम देखें शब्द एषा का, यह कौन है, एषा
शिक्षिका, यह शिक्षिका है। एषा कुत्र अस्ति, यह कहाँ है? उत्तर होगा एषा विद्यालये अस्ति, यह विद्यालय में है। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग के शब्दों का समीप में अगर खड़े हैं, समीप में वस्तु है, तो स्त्रीलिंग के शब्दों का एषा यह प्रयोग करके और बाकी आगे जोड़ देते हैं। और अगर दूर में है कोई तब क्या कहेंगे? तो एषा को ए हटाएंगे और सा, केवल सा बोलेंगे। जैसे दीवार घड़ी, हम कमरे में बैठे हैं और दूर में दीवार घड़ी लगी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? सा का, हाथ से इशारा करते हुए, उंगली दिखाते हुए बोलेंगे सा का। वह क्या है? सा घड़ी का, यह उत्तर होगा, वह घड़ी है। फिर पूछते हैं घड़ी करती क्या है? घटिका किम सूचयति, घड़ी से हमें क्या सूचना मिलती है, घड़ी क्या सूचित करती है? तो उत्तर होगा घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है, समय की सूचना देती है। अब इसी तरह हम कुछ और शब्द अगर लें तो सा का, सा माता, सा बालिका, सा शिक्षिका, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सा का प्रयोग हमें तब करना है जब कोई दूर में खड़ा होता है, हमारे समीप ना हो, जिसे हमें उंगली दिखाना पड़े दूर के लिए, उसे हम सा का व्यवहार करते हैं। सा के शब्द के साथ हम संकेत करते हैं। ये एक वचन का प्रयोग था। इसी तरह अगर दो लोग हैं तब क्या कहेंगे? तो उसके लिए हम कहते हैं एते के। पास में हैं दो चिड़िया बैठी हुई हैं, द्वार पे हम देखते हैं या हम झरोखे से देखते हैं, पास में चिड़िया, चिड़ियों की चहक सुनते हैं, तो दो चिड़िया हैं, उसके लिए जो बैठा हुआ साथी होता है वो पूछता है एते के, ये दोनों कौन हैं? उत्तर होता है एते के, ये दोनों कौन हैं? और फिर पूछते हैं किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? तो बताने वाला बताता है ना, एते चटके, ये दोनों जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, हाँ राम चिड़िया बोला जाता है, उनको चटका कहा जाता है, जो घोंसला बनाती है, एक अच्छा सुंदर सा अपना गांव में देखने को मिलता है, एक बबूल के पेड़ या किसी और पेड़ों पे लटका हुआ होता है घोंसला, वही घोंसला और उसी में रहने वाली जो चिड़िया होती हैं उनको चटका कहा जाता है। चटका वैसे सामान्य शब्द है जिसको हम चिड़िया के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग भी नाम हैं। जैसे कबूतर को कपोतः, तोते को शुकः, कोयल को कोकिला, प्रयोग अलग अलग करते हैं। लेकिन एक सामान्य भाषा में चिड़िया को चटका यह कहा जाता है। तो किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? उत्तर होता है नहीं, एते चटके, ये कोयल नहीं है, ये चटका हैं, इसलिए एते
चटके। चटके किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं? उत्तर होगा एते विहरतः, इधर उधर जो फुदकना होता है उनका, विहार कर रही हैं, घूम रही हैं, कुछ कर नहीं रही हैं। अब इसी तरह अगर हम और शब्द बनाना चाहें तो कैसे प्रयोग करेंगे? एते के, उत्तर दें एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। एते शिक्षिके, ये दोनों शिक्षिका हैं। एते के, एते गायिके, ये दोनों गायिका हैं। इस तरह से हम स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और वो क्या कर रही हैं? तो एते पठतः, ये दोनों पढ़ रही हैं। एते गच्छतः, अर्थात ये दोनों जा रहे हैं या जा रही हैं। इस तरह हम प्रयोग करते हैं। अब हम दूर में अगर दो लोग हैं तो कैसे प्रयोग करेंगे ये देखते हैं। ते के, हाथ से संकेत करते हुए, दो अगर गाड़ी खड़ी हैं तो उन दो गाड़ी खड़ी हैं और गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है अगर वो महिला है, महिलाएं गाड़ी चला रही हैं, उसके लिए ये प्रयोग है। उस गाड़ी के अंदर दो महिला बैठी हैं तो प्रश्न हुआ ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों चालक। तो यहाँ संस्कृत में जब पुरुष होगा तो चालकः और स्त्रीलिंग में चालिका, दो हैं इसलिए चालिके, ऐसा प्रयोग होगा। तो ते चालिके स्तः, वे दोनों चलाने वाली हैं, गाड़ी को चलाने वाली अर्थात ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? तो उत्तर आया ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। वाहनम चालयतः अर्थात वाहन को चला रही हैं। अब हम देखेंगे यहां पर ते के, ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते पुस्तकम पठतः, वे दोनों पुस्तक पढ़ रही हैं। ते के, किसी दूसरे के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो पुनः ऐसा बोल सकते हैं ते के, वे दोनों कौन हैं? तो ते अजे, अजा अर्थात बकरी और द्विवचन में अजे, तो ते अजे। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? तो कहेंगे बकरियां चर रही हैं। तो ते अजे चरतः अथवा ते अजे शस्यम चरतः, वे दोनों घास चर रही हैं। शस्य का अर्थ घास है और चरतः का अर्थ खा रही हैं, उनको चर रही हैं। ये हमने एक वचन और द्विवचन का अभ्यास किया। इसी तरह अगर बहुवचन में आएं तो क्या होगा? जैसे पास में हमारे घर में होता है थाली रखी होती है जिसमें हम भोजन करते हैं और थालियों की संख्या तीन या तीन से ज्यादा रखी हुई है, ऐसी अवस्था में क्या कहेंगे? पूछते हैं कि ये कौन हैं, ये क्या हैं? तो एताहा काहा, ये क्या हैं?
उत्तर होगा एताहा स्थालिकाहा, ये थाली हैं। थाली गोल गोल हैं, तो पुनः कह देंगे हम किम एताहा गोलाकाराहा, क्या ये गोल आकार वाली हैं। यदि गोल गोल हैं तो आम, एताहा गोलाकाराहा एव, अर्थात निश्चय ही ये गोल आकार वाली हैं। और अगर गोल वाली नहीं है तो क्या कहेंगे, ना ना, एताहा गोलाकाराहा न, ये गोल आकार वाली नहीं हैं, ऐसा हम व्यवहार में लाते हैं। अब हम देखते हैं अगर स्थाली की जगह कोई और है, जैसे बूढ़े लोग दादी लोग बैठी हैं थोड़ी दूर पर, या हम उनके पास पहुंच जाते हैं, तो जब समीप में वो आ जाएंगी तब हम कहेंगे एताहा काहा, तो उत्तर होगा एताहा वृद्धाहा, ये वृद्धा हैं, कई लोग हैं इसलिए वृद्धाहा। इसी तरह माचिस, जानते हैं आप आग जलाते हैं जिससे हम, माचिस को अग्नि पेटिका कहा जाता है। तीन माचिस अगर पड़ी हैं हमारे पास में तो हम हाथ दिखाते हुए उनको कहेंगे एताहा अग्नि पेटिकाहा, ये माचिस हैं। और अगर पूछना हो तो क्या कहेंगे, एताहा काहा, ये कौन हैं, तो उत्तर हो जाएगा एताहा अग्नि पेटिकाहा। इसी तरह जो जिससे हम वस्त्र सिलते हैं उसको सुई कहा जाता है, तो एताहा काहा, और सुई को संस्कृत में सूचिका कहते हैं। अब आप वाक्य आराम से बना लेंगे एताहा सूचिकाहा, ये सुई हैं। क्योंकि कई हैं इसलिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। ताला तो सबके घर में होगा, और ताला को खोलने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो चाबी होती है, या कई जगह पे कुंजी भी बोलते हैं। और इसी कुंजी को संस्कृत में कुंचिका कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही शब्दों में थोड़ा आगे पीछे होकर के बहुत सारी अपने देश की भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए ऐसा भी कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। जैसे कुंजी, और कुंजी को कुंचिका, कुंचिका से का को छोड़कर और अलग अलग ऐसा अलग अलग क्षेत्रों में व्यवहार होता है। तो हम अगर बहुवचन में प्रयोग करें तो क्या होगा, एताहा कुंचिकाहा, ये चाभियां हैं, कई चाभी। घर में या जहां पर साफ सफाई नहीं रहती है वहां हम देखने को पाते हैं कि बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, या कहीं गुड़ का गांव में इधर उधर देखते हैं कि गुड़ का टुकड़ा फेंका हुआ हो तो उस पे मक्खी बैठ जाती हैं। एक कबीरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, शायद आपको याद हो, नहीं हो तो उसे याद करना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो यहाँ माखी और गुड़, इसका संबंध दिखाया गया है कि गुड़ के का जो माधुर्य है
उसके पीछे पड़ करके वो उसमें इतनी रच बस जाती है, खाने में इतनी मग्न हो जाती है कि उसके पंख उसमें चिपकते हैं और फिर वो मर जाती है। तो जहाँ पड़ा होता है ऐसी चीज़ें, वहाँ मक्खियाँ होती हैं। मक्खी के लिए संस्कृत में मक्षिका यह शब्द प्रयोग किया जाता है, मक्षिका। और इसी में अगर बड़ी वाली मक्खी होती है जो दंश होता है तो दंश का भी प्रयोग करते हैं, दीर्घ मक्षिका या दंशिका इसका भी प्रयोग किया जाता है। और जो मधु इकट्ठा करने वाली होती है उसे मधु मक्षिका ऐसा भी प्रयोग किया जाता है। हमें इन शब्दों के प्रयोगों को अपनी शब्दकोश में स्थान देना चाहिए, अपने भाषा को अच्छा करने के लिए थोड़े थोड़े दो दो चार चार दस दस शब्दों को अगर हम संग्रहित करते रहेंगे तो फिर हम बोलने में समर्थ हो पाएंगे, संस्कृत को जल्दी सीख पाएंगे, तो शब्दकोश को हम बढ़ाएंगे। जैसे वीणा शब्द है, वीणा आपने देखा होगा सरस्वती जी के हाथ में वीणा होता है जिसे वो बजाती हैं। तो अगर तीन वीणा है, कोई चित्र हो जिसमें तीन वीणा एक साथ रखे हुए हों तो उन्हें क्या कहेंगे? एताहा वीणाहा संति, ये वीणाएं हैं, तीन वीणा हैं। इसी तरह प्रायः सबने देखा होगा, सबके घर में भी होती है साइकिल या मोटरसाइकिल, तो साइकिल को हम द्विचक्रिका कहते हैं अर्थात दो चक्कों वाली, तो द्विचक्रिका। अब इसका भी हम ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, अगर कई घर में हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा, एक है तो एक वचन का। जैसे हम पीछे जो सीखे थे उन शब्दों को भी जरा याद करें, एषा का, एषा द्विचक्रिका, एते के, एते द्विचक्रिके, एताहा काहा, एताहा द्विचक्रिकाहा, ऐसा हम वाक्य का अभ्यास करते हैं। जैसा हमने अभी बोला इसी तरह आप सूचिका अर्थात सुई, पिपीलिका अर्थात चीटी, उत्पीठिका अर्थात चौकी, जो डेस्क होता है, जो टेबल जिस पे हम पढ़ते हैं उसे उत्पीठिका कहते हैं, मापिका अर्थात नापने वाला जो स्केल होता है उसे मापिका बोलते हैं, माला, गायिका, लेखिका, सेविका, प्रयोगशाला जहाँ प्रयोग करते हैं लेबोरेटरी, और इसी तरह पाकशाला, किचन, भोजनालय को हम पाकशाला कहते हैं जहाँ भोजन बनता है, लता, चाकू को छुरी का, नाव को नौका। इस तरह हम इन सभी शब्दों के रूपों को एषा, एते, एताहा के साथ जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं तद शब्द का प्रयोग बहुवचन, ताहा काहा, थोड़ी दूर पर बकरियां चर रही हैं तो उनके लिए हाथ को दिखाते हुए बोलते हैं ताहा काहा, वे कौन हैं? साथ में जो उसका दोस्त है वो बोलता है ताहा अजाहा, वे अजा हैं, बकरियां हैं। पुनः पूछता है ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं? उत्तर आया ताहा चरन्ति, वे चर रही हैं। अब हम इसी तरह और भी वाक्य बना सकते हैं, ताह काहा, तो ताहा
शिक्षिकाः ताः किं कुर्वन्ति ताः पाठयन्ति वे पढ़ा रही हैं वे शिक्षिका हैं वे पढ़ा रही हैं। इस तरह से हम और शब्दों को अगर देखें तो ताह काह ताह मालाह ताह लेखिकाह जो पुस्तक लिखने वाले लोग होते हैं लेखक और अगर स्त्री हैं तो लेखिका तो ताह काह ताह लेखिकाः ताः किं कुर्वन्ति ताः लेखनं कुर्वन्ति अथवा ताः लिखन्ति दोनों बोल सकते हैं। ताः काः ताः गायिकाः गाना गाने वाली है तो वो गायिका है। ताः किं कुर्वन्ति ताः गायनं कुर्वन्ति अथवा ताः गायन्ति वो गाती हैं। तो इस तरह शब्द परिचय के द्वितीय पाठ इसमें हमने स्त्रीलिंग शब्दों के तद शब्द और एतद शब्द को पढ़ा और इसके साथ में जोड़ करके स्त्रीलिंग के शब्दों का अभ्यास भी किया। आप रुचिरा प्रथम भाग के द्वितीय पाठ को देखेंगे तो अभ्यास भाग में और भी कई चीज़ें लिखी हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और चित्रों को देख करके पहचानना पहचान करके उनका संस्कृत में नाम लिखना और इसी तरह कुछ शब्द वहाँ पर होंगे जो डिब्बे में लिखे गए होंगे एक बॉक्स में लिखे हुए होंगे उनमें शब्दों को लेकर के और फिर पुस्तक में जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें भरना। तो आपने जो अभी तक हमारे साथ में पढ़ा इसकी मदद से उस स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। आज के पाठ में इतना ही। शब्द परिचय का तृतीय भाग हम अगले क्रम में पढ़ेंगे। धन्यवाद। संप्रति भवद्भिः श्रुतम् पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला निर्माणं सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति तनु गुप्ता च ध्वन्यांकनं शानु मुकसीमः विकास सांगवानश्च निर्माणं विमलेश चौधरी प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।